So hello guys, this is Nenesh, Mumbai से rider and welcome back to my channel. And आज एक मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, और जो ब्लॉग है वो है इंजन ऑयल चेंज करना है मुझे. तो उसके लिए एक मैंने इंजन फ्लश, पेट्रोल एडिटिव और ऑयल एडिटिव मंगाया था अमेजोन से. सो लाइक मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज था यही जानने के लिए कि इंजन फ्लश करना चाहिए क्या नहीं. बट मेरा बाइक अभी ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर हो गया है, मैंने कभी इंजन फ्लश यूज़ नहीं किया है. तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कर लूँ, एंड कुछ एक्सपर्ट्स रिव्यू से ही मैंने सोचा है कि मुझे फ्लश करना चाहिए. तो अभी मैं आपको पहले प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं जाऊँगा गैराज पे, मेरा जो गैराज वाला है विकी, उसके पास से मैं चेंज करा दूंगा. तो अभी बहुत ही भागदौड़ होने वाली है मेरी. फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ प्रोडक्ट कौन सा है. प्रोडक्ट है ये, देखिए. अगर मैंने देखा जाए, ये मैंने अमेजोन से ही मंगाया था, बट ये कुरियर के थ्रू आया था. पता नहीं क्यों ये कुरियर के थ्रू आया था, मैंने मंगाया था तो अमेजोन से. तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, 1, 2 एंड 3, ये इसका बिल कॉपी है. ये मुझे टोटल पड़ा था, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो 300 का टोटल मुझे पड़ा था ये. एंड ये है, इसका नाम है उर्थ. अभी हमें इसको स्पेलिंग के हिसाब से WURTH उर्थ बोलते हैं, बट इसे प्रोनाउंसिएशन उर्थ है. एंड ये सेकंड चीज़ देख रहे हो, ये इंजन ऑयल एडिटिव है, और ये है अपना पेट्रोल एडिटिव. आई थिंक हाँ, यस, पेट्रोल एडिटिव है ये. और ये अपना इंजन ऑयल का फ्लश है. तो एक्चुअली ये अभी जर्मन कंपनी है, बट ये जो मैन्युफैक्चर होता है आई थिंक इंडिया में ही होता है, बट ये एक जर्मन कंपनी है. और उसके साथ अपने पास ये है मोटुल का ऑयल 20W50, एंड ये सेमी सिंथेटिक ऑयल है. इसका प्राइस है 455, बट मैंने ये अमेजोन पे मंगाया था तो मुझे वो कुछ अराउंड 360 के करीब पड़ा था, मुझे अच्छे ऑफर में मिला है. ये नॉर्मल सा ऑयल फिल्टर है जो मुझे एक नॉर्मल लोकल शॉप में मिला, जहाँ पे ऑटो पार्ट्स मिलते हैं बाइक के. एंड ये डिस्क ऑयल आज मुझे कैसे भी करके कराना है, क्योंकि 2-3 दिन बारिश की वजह से मैं कर नहीं पाया था, बट आज ही करा लेगा. फिलहाल मैंने मेरी बाइक वॉश करा ली है, जो कि एक नॉर्मल वॉश किया हुआ है. तो अभी हम जाके गैरेज पे वो चेंज कर लेंगे, ठीक है? चलो. तो अभी हम चल रहे हैं हमारे गैरेज पे, जहाँ पे बाइक का काम कराना. और हमारे साथ आज है भाई रोहित भाई, ये तो हमारे साथ रहते ही है हमेशा. टेक्निकल चीज़ के लिए रोहित भाई रहना ज़रूरी है. और ये अपनी बाइक खड़ी है, कल मैंने वॉश कराया था तो आज चमक रही है, चमक रही ठीक है, साफ है, सुथरी दिख चमक रही रही है, है. क्योंकि पूरी मिट्टी से गंदी हो गई थी बहुत. तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं गैरेज पे, अभी देखते हैं विक्की है क्या नहीं. अगर विक्की जब भी मिल जाएगा तो ऐसे काम करेंगे. भाई विक्की भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बाइक्स का काम करते हैं ना, इसलिए. तो चलो वहाँ पे चलते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है? ओ भाई, ये हमारा गैरेज वाला आदमी है, बहुत ही बिजी आदमी है. ये कैमरा चालू है, तेरा इंटरव्यू ले रहे हम लोग. अरे हाय तो बोल, अरे बोल ना. तो अभी मुझे थोड़ी 2-3 और चीज़ें चाहिए थी, जैसा कि मुझे जो मेरा बाइक का नंबर प्लेट है जो मड़गढ़ के ऊपर लगाया हुआ है, वो मुझे भी ऊपर लगाना है, यहाँ पर जो रेगुलर फेजर में जैसा होता है. तो उसके लिए एक ब्रैकेट लगता है, तो ब्रैकेट लेने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ चकाला में, मयूर करके एक शॉप है वहाँ पर जा रहा हूँ मैं, तो वो ले लेंगे. एंड अगर देखते हैं यहाँ पे, तो मेरा जो साइड इंडिकेटर है ना, वो साइड इंडिकेटर का ग्लास निकला हुआ है. इंडिकेटर तो चल रहा है पर ग्लास निकला हुआ है. तो मैं सोच रहा हूँ कि नया इंडिकेटर लगा दूँ, क्योंकि मुझे वाइट वाला इंडिकेटर लगाना है. तो जैसा भी ये बाइक में दिया हुआ है वाइट इंडिकेटर, वैसा मेरे को वाइट इंडिकेटर लगाना है. तो देखते हैं अभी वाइट इंडिकेटर वहाँ पर मिलता है क्या नहीं. वही भी यहाँ पे आ तो गए हैं, लेट्स सी. क्राउड दिख रही है बहुत, देखते हैं क्या सीन है. ओह, होंडा CB350 RS, नाइस. तो फिलहाल अभी बाइक के लिए मेरे इंडिकेटर्स गया था, जैसा कि मैंने बताया था, मेरा ये वाला जो इंडिकेटर है बाइक का, ये इंडिकेटर का लेंस निकल गया था. तो उसके लिए मैंने अभी ये वाला वाइट लेंस वाला लिया है. तो ये ऐसा है दिखने में कुछ. तो ये लेटेस्ट वाला है, जो लेटेस्ट FZ या फेजर में आता है. तो ये मुझे एक पीस, ये पे 280 का MRP लिखा है, यानी 140 का एक हो जाता है. तो मुझे एक पीस 120 में पड़ा, यानी 240 में मुझे दो पीसेस पड़े, तो मैंने टोटल 4 ले लिए. तो लेट्स सी. यहाँ पे हमारे चकला में शॉप है मयूर स्कूटर हाउस, तो वहाँ से ही लिया हुआ ये. बाकी रेस्ट एवरीथिंग मेरे पास पार्ट्स है,
तो फिलहाल चलो जाते हैं। नंबर प्लेट ब्रैकेट भी मैं सोच रहा था चेंज करने के लिए, बट फिलहाल मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा जो नंबर प्लेट है वो शुरुआत से वही ब्रैकेट पे है जो पहले से वो बनाया हुआ ब्रैकेट था, तो मैंने वेल्डर से ब्रैकेट बनाया हुआ था। सो लेट्स सी, ओ चच्चा को देखो यार, चच्चा को कुछ है ही नहीं, चच्चा सीधा डाल लेते गाड़ी। तो मैंने अच्छे से वाशले को पता दिया था कि भाई दो थैली उनके हाथ में दिया था और बोला था कि हॉर्न पे लगा दीजिए, बट भाई साहब ने हॉर्न के अंदर डाल दिया थैली और पानी हॉर्न के अंदर चला गया है। अभी मैं अगर हॉर्न बजा रहा था, देखिए बहुत अजीब सा आवाज़ आ रहा है, आई थिंक वो हॉर्न में पानी अभी भी है, तो अगर वो पानी निकल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो पानी नहीं निकलता है तो मेरा 600 रुपये का बत्ती बन गया, क्योंकि वो हॉर्न मेरा 600 रुपीज़ का पेयर था। एंड अभी वो इंजन ऑयल डालने के बाद, इंजन ऑयल का चेंज सब कुछ करने के बाद मुझे ये देखना है कि बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं, तो वो तो तभी पता चलेगा जब पूरा काम हो जाएगा तामझाम। ओ भाई अभी अपनी बाइक ओपन होने ली है, अरे भाई शर्मा गया। पार्ट वन, पार्ट टू और ये पार्ट थ्री, और अभी टंकी निकाल दिया है इसमें से, तो अभी देखते हैं पानी कितना है इसमें। बाइक का फुल पोस्टमार्टम चल रहा है, निकला, आया भाई, आ गया। एंडोस्कोपी प्रोसेस चल रहा है, एंडोस्कोपी। ये कितना लीटर का बॉटल है? कितना, 2 लीटर का है? एक 2 लीटर पेट्रोल है मेरे गाड़ी में। मैं सीट हूँ बहुत बड़ा। 2 लीटर पेट्रोल है। फुल डिटेल क्लीनिंग भाई, डिटेल क्लीनिंग। और ये सभी पानी निचोड़ा गया, पानी है ये ज्यादा और ये। फिर से अपना देसी जुगाड़, ये देसी जुगाड़ है पूरा, हर एक गैरेज वाले का देसी जुगाड़ है। विकी इस बात पे कुछ बोलना चाहेगा भाई? तो विकी कुछ बोल ही नहीं रहे। अभी रोहित से पूछ लेते, रोहित क्या बोलता है ये देसी जुगाड़ के बारे में? ये बाहर जाना नहीं चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। टॉप सीक्रेट। आवाज़ के लिए सॉरी, बट वो एक्चुअली ब्लोअर से टंकी क्लीन कर रहा है, ताकि कुछ भी अगर कचरा रहे या बचा खुचा फ्यूल पानी रहे क्लीन हो जाए, उसमें तो पूरा साफ हो जाएगा। तो फिर से असेंबलिंग कर रहे हैं इसको, अभी यहाँ पे जो एलिंकी वगैरह जो कुछ है सब लगा देंगे। तो ये ऊपर का जो ये पार्ट दिख रहा है ये फुल फ्यूल है और ये पानी है, तो अभी विक्की बताएगा अपने को भाई कैसा निकाला जाता है पानी। ये भाई पानी कैसे निकाला जाता है बताओ, देखो ये बॉटल में भी ढक्कन निकाल के, ये बॉटल उल्टा, अभी ये पानी जमा हो रहा है, पानी और कचरा भी है भाई, और ये भी थोड़ा थोड़ा करके। ये 5th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था कि जब भी जो जिसका मास वॉल्यूम कम रहता है वो ऊपर चला जाता है, जिसका मास डेंसिटी वॉल्यूम ज़्यादा रहता है वो ऐसे ही कुछ है। डॉक्टर साहब के पास है, डॉक्टर साहब ने बाइक के लिए सलाइन लगाया, डॉक्टर विकी। अभी जो उसका पेट्रोल का कॉक का जो अप एंड डाउन जो करते हैं लाइक रिजर्वर ऑन का, उसका क्या बोलते हैं इसको भाई? फिल्टर। टेक्निकल वर्ड्स मैं तो नहीं समझता, फिल्टर बोलते थे को समझता है। टेक्निकल वर्ड्स के डॉक्टर है, टेक्निकल वर्ड के लिए डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब के पास जाने का, डॉक्टर साहब आपका सब कुछ। पेट्रोल कॉक बोलो, पेट्रोल कॉक। तो अभी ये अपना पेट्रोल एडिटिव है, ये तो डालना ही है, पहला अपन क्लच डाल दो। फिलहाल वो पेट्रोल एडिटिव, तो ये देख लो ये जो एडिटिव है, अभी इसको मैं फ्यूल में डाल दूँ, पूरा नहीं डालूँगा, थोड़ा ही डालूँगा पहले, क्योंकि बाद में फ्यूल जब ये रिफिल करेंगे तभी उसमें भी डालना है, फिलहाल के लिए थोड़ा डाल दो। दो बूंद जिंदगी के भाई अभी बाइक स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट तक इसको चालू रखना है। बात कैसा है भाई, 35,000 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट मेरा बाइक का हो गया है, उसके पहले मैंने कभी क्लच डाला नहीं था, देखते हैं अभी इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इंजन के परफॉर्मेंस में एवरेज में बाइक का एवरेज जो माइलेज मिलता है उसमें फ़र्क पड़ेगा, तो अभी मेरी बाइक जो एवरेज दे रही है वो अराउंड है 30-35 के बीच में,
अगर ज़्यादा एवरेज दे दी उसका एवरेज टेस्ट कम करेंगे, एवरेज अच्छा अगर मिला तो अच्छी बात है, प्रोडक्ट वर्थ इट है, नहीं तो क्या। तो अभी बात ऐसी है कि अभी 10 मिनट्स के लिए रखा था, जो अंदर फ्यूल के अंदर वो लिक्विड डाला था एंड प्लस इंजन ऑयल जो है उसके अंदर अपन ने वो केमिकल डाला हुआ था जो उसको फ्लश बोलता है, तो उसके लिए 10 मिनट्स ऐसा लगता है उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 मिनट्स तक रखने के लिए। तो अपन ने जो डाला था 247 के लिए अभी हो रहा है 255, मतलब 257 का वो 10 मिनट्स होता, तो अपन 257 तक अपन टोटल 3 मिनट तक रुकेंगे और 12-13 मिनट्स हो जाएगा तो रुक जाएंगे। तो भाई ये साइन दिख रहा है, साइन दिख रहा है, एप्पल का साइन है भाई, एप्पल का साइन है भाई, एप्पल का साइन है, एप्पल लेके घूम रहे भाई, हम ही इधर है जो ऑरेंज पे चला रहे काम। अरे इकड़े तो भाई 10 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी अपन अपना इंजन ऑफ कर देते हैं। अभी इंजन मैंने ऑफ कर दिया, अभी थोड़ा रेस्ट होने देंगे, उसके बाद में अपन ऑयल उसको फ्लश कर देते हैं। तो अभी जो भी ऑयल फ्लश किया था, मतलब फ्लश डाल के जो ऑयल घुमाया था वो अभी ऑयल निकाल रहे भाई। ऑयल फिल्टर भी क्लियर कर दिया है, अभी नया ऑयल फिल्टर डालने की बारी है अभी। ये अभी न्यू ऑयल फिल्टर डाला है और अभी नया ऑयल डालेंगे। अभी ऑयल भर दिया है भाई, फुल न्यू ऑयल, देखते परफॉर्मेंस कैसा है। और छोटू क्या बोलते, कैसे छोटू स्माइल मार रहा है। तो बात अभी ऐसी है कि मेरे GoPro की बैटरी हो गई खत्म, तो अभी अपन रोहित के आईफोन से शूट कर रहे हैं भाई। आईफोन देखा गले में। तो अभी अपन ये जो मैंने बताया था इंजन ऑयल एडिटिव, इंजन ऑयल तो डाल दिया, तो अभी इंजन ऑयल डालने के बाद अभी इंजन ऑयल एडिटिव है, तो अभी अपन ये उसमें ऐड कर देते हैं। पूरी बॉटल जाएगी, 1 लीटर का ऑयल है उसके साथ में, कितना ml की बॉटल, मतलब आई थिंक 100 ml होगी, सॉरी 50 ml, 50 ml की बॉटल है, पूरी जाएगी। तो अभी बटन स्टार्ट कर दिया है मैंने, चलो लेट्स सी, ये स्टार्ट हो गई है बाइक, बाइक एकदम स्मूथ हो गया है, हाथ लगाने पे पता चल रहा है बाइक एकदम स्मूथ हो गया। अभी अगर मैं एक्सी दे रहा हूँ, ओहो साइलेंसर का आवाज़ में डिफरेंस आ गया है, स्मूथ लग रहा है, बहुत स्मूथ लग रहा है। नया इंडिकेटर। तो अभी बात ऐसा हो गया है कि फेजर का जो आगे के पीछे के इंडिकेटर्स तो लग गए, पर आगे के जो इंडिकेटर्स है उसको ये कवर पूरा खोलना पड़ेगा यार, दोनों साइड से, ये टूटा हुआ है तो ये खोलना पड़ेगा, इसके लिए बहुत मेहनत लग रही है यार, पूरा ऊपर से बोलता ना पूरा फेयरिंग खोल के करना पड़ रहा है, ये पार्ट जब निकलता नहीं तो अंदर का देखो वायर वहाँ पे इंडिकेटर का वायर वैसा है, तो वही करना पड़ेगा, तो देखते हैं कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अभी अपन कर, अरे ये क्या है, अरे भाई देखा देखा आदिदा सुना था ये आदिवास क्या है भाई, भाई विक्की भाई आदिवास क्या है भाई, थर्ड कॉपी की भी थर्ड कॉपी है ये भाई, है क्या बताओ जरा बताओ। ये ले ले भाई, जानना चाहते ये ले ले, पब्लिक जानना चाहती है कहाँ पे मिलेगा, जिसको जिसको चाहिए प्लीज कमेंट डाउन, जिसको चाहिए हम विकी भाई का नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अभी भाई नए इंडिकेटर लगाए हुए, उसका जो नया चीज़ ओपन करने का भाई ये जो सुकून है ना, ओह ये एक नंबर चीज़ है, ज़्यादा जो फन है वो इंडिकेटर नया लगाए तो है, बट उसका जो आप निकालने में मज़ा आ रहा है भाई। अभी ये इंडिकेटर्स लगाए गए हैं यार, बहुत प्यारे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है इंडिकेटर अभी, यही अगर बाइक को देखेंगे आप तो ये पीछे वाला रोहित राइट। तो ये लास्ट टाइम मैंने नंबर प्लेट मंगाया था अमेजोन से, वो टूटा हुआ ही आया था भाई, तो फिर मैंने सोचा था फेविक लगा के इसको जोड़ दूँ, बट अभी ये क्या टूट गया तो ये वाइब्रेशन मारता है और बहुत हिलता है, तो फिर इसके लिए मैंने नंबर प्लेट लाया ये वाला, और आगे का वाला जो मेरा है आगे नंबर प्लेट है
ये वाला, ये भी डैमेज हो गया था, तो उसको मैंने नटबोल्ट और फेविक लगा के सिर्फ इसको फिट किया था। तो अभी मैंने ये अमेजोन से मंगाया हुआ था, ये वाला जो आया था वो अमेजोन से मैंने मंगाया। तो ये मुझे पड़ा आई थिंक, मेरे को भी याद नहीं, आई थिंक 140 rupees का समथिंग आया था इस सेट का। तो ये लगा देंगे अपन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल दूंगा। तो देखते, क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, देखते लेट्स सी। गाड़ी का काम हो चुका है मेरे, तो इंडिकेटर्स लग गए हैं, उसमें जो ऑयल चेंज करने का था, फ्लश ऑयलिंग, फिर बाद में ऑयल एडिटिव, पेट्रोल एडिटिव, सब कुछ लग के ख़त्म हो गया है अभी। और क्या लगा है, मैंने नंबर प्लेट्स भी लगना था, वो भी बाकी। ओके, मैं आपको गाड़ी का एक ऑल ओवर लुक बता दूँ। ऐसे गाड़ी तो है गंदी, पर उसको थोड़ा वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद, वॉश आज नहीं करूँगा मैं, कल ही कर लूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। तो जैसा ही कल मैं वॉश करूँगा उसके बाद पॉलिश वॉलिश मार के फिर चकाचक गाड़ी बना के बताऊँगा। तभी फिलहाल के लिए गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है मैं तुमको बताता हूँ, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया मैं ज़रूर बताऊँगा, इसके बारे में एक शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बाइक का जो मीटर है जो 17.1718 पे है, 3429, उसको मैं ज़ीरो कर दूंगा फिर से। तो अभी अपने को पता चलेगा कि ये ऑयल में कितना चलने वाली है गाड़ी। तो भाई फिलहाल विक्की है कि शर्मा रहा है अभी आने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही भाई। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मिली जो इंजन ऑयल का, अगर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करो। एंड अभी इसके ऊपर जो परफॉर्मेंस वाला जो वीडियो है बाइक का, तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसा लग रहा है करके। तो फिलहाल के लिए भाई टाटा बाय बाय। और यार कुछ तो क्लोजिंग बनानी पड़ेगी, मतलब भाई अपनी क्लोजिंग बनी हुई नहीं है भाई, तो भी कुछ क्लोजिंग बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, मुंबई से राइडर साइनिंग ऑफ।